सो ऑल राइट गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूं। तो फिर गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि वीडियो गुरु एप्लीकेशन से वीडियोस कैसे एडिटिंग की जाती हैं। गाइस अगर आप लोग भी बेस्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन फाइंड कर रहे हैं और आप लोग को नहीं मिल पा रही है तो मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ बेस्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन से आप लोग अपनी प्रोफेशनली वीडियो एडिट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में सारे के सारे टूल्स मिल जाते हैं जो आप लोगों को वीडियो एडिटिंग में मिलने चाहिए। इस एप्लीकेशन में आप लोग अपनी वीडियो में स्लो मोशन, फास्ट मोशन, रिवर्स, ट्रांजिशन, क्लिच इफेक्ट सारे के सारे आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही कमाल की है। अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं या आप लोग किसी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं जहाँ पर आप लोग को वीडियो को जो है बनाने की ज़रूरत पड़ती है और आप लोग को एडिटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये एप्लीकेशन आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि वीडियो गुरु एप्लीकेशन से आप लोग अपनी कोई भी प्रोफेशनल वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशप और आप सभी लोगों का हमारे मिस्टर सोनू टेक्निकल चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो गुरु एप्लीकेशन आप लोग को प्ले स्टोर से जाके सर्च करना होगा। यहाँ पे आप लोग को प्ले स्टोर पे सर्च बार में टाइप करना होगा वीडियो डॉट गुरु और ये वाली एप्लीकेशन आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। इसका आप लोग लोगो देख लीजिए और यहाँ पे आप लोग को मिलेगा वीडियो मेकर फॉर यूट्यूब वीडियो डॉट गुरु ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की लिंक भी मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहाँ से जाके आप लोग नॉर्मली डाउनलोड कर लेना। इसके बाद इस एप्लीकेशन को आप लोग ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे आप लोग को न्यू प्रोजेक्ट का आइकन मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे वीडियोज़ और फोटोज़ और ऑल का ऑप्शन आ जाता है। गाइस यहाँ पे अगर आप लोग वीडियो से एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियोज़ आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप लोग फोटो से कोई स्लाइड्स और वीडियो बनाना चाहते हैं तो फोटोज़ को सिलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं वीडियो को एडिटिंग करके आप लोग को दिखाऊंगा तो मैं वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आप लोग की गैलरी में जितने भी वीडियोज़ पड़ी होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे वीडियोज़ आ जाएंगे। बाकी का आप लोग यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को जो है फोल्डर बाई फोल्डर यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आप लोग फोल्डर को जो है सिलेक्ट कर लीजिए कि आप लोग की वीडियो किस फोल्डर में पड़ी हुई है। बाकी की मैं यहाँ पे ये वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे राइट करूँगा। राइट करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को एक बार प्ले करूँगा जो हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहेगी। गाइस यहाँ पे आप लोग कोई भी वीडियो रहती है चाहे वो शॉर्ट प्लेटफॉर्म के लिए हो या आप लोग के यूट्यूब चैनल के लिए हो, ऐसी कोई भी वीडियो होती है वो आप लोग इस एप्लीकेशन से एडिट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे आप लोग वीडियो को सिलेक्ट करेंगे तो ये आप लोग की जो वीडियो की लेयर है वो यहाँ पे आप लोग को शो होगी और बाकी की वीडियो आप लोग को यहाँ पे शो होगी। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोग को बहुत सारे नीचे साइड में टूल्स मिल जाते हैं। इन टूल्स का क्या क्या काम है और कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग को म्यूट क्लिप ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ पर आप लोग की वीडियो में जो भी ऑडियो रहता है आप लोग चाहते हो उस वीडियो में ऑडियो को म्यूट करना तो यहाँ से आप लोग इसको जो है सिलेक्ट कर दीजिए और ये जो है कट का आइकन आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो का ऑडियो वो म्यूट हो चुका है। इसको आप लोग अनम्यूट भी यहाँ से कर सकते हैं और बाकी का यहाँ पे मैं म्यूट कर लेता हूँ। और आप लोग अलग से कोई यहाँ पे म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं, ऑडियो ऐड करना चाहते हैं इस वीडियो में तो यहाँ पे आप लोग को मिलेगा ऐड ऑडियो, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग को मिलेगा साउंड इफेक्ट रिकॉर्ड, यहाँ पर साउंड पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे जो है साउंड यहाँ पर मिल जाएंगे। तो गाइस बाकी की माई म्यूज़िक पे यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग के जो यहाँ पे गैलरी में जो भी म्यूज़िक पड़े होंगे वो सारे के सारे म्यूज़िक आ जाएंगे। और एक्सेक्ट ऑडियो पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग एक्सेक्ट ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो है आपकी वीडियो मिल जाएंगी। अब आप लोग जिस वीडियो का ऑडियो निकालना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि इस वीडियो का ऑडियो वो हमारी उस वीडियो में ऐड हो जाए तो आप लोग उस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए और एक्सेक्ट फ्रॉम वीडियो पर आप लोग क्लिक कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पर ये लोड होगी और इसके बाद यहाँ पर इस वीडियो का जो ऑडियो वो निकल के आ जाएगा। इसके बाद आप लोग यूज़ पे क्लिक कर दीजिए और ये ऑडियो जो है हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप लोग किसी वीडियो का ऑडियो एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी का आप लोगों को जो है गलती से अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे ये पार्ट हमारा जो है मैंने स्टेप जो है एडिट किया वो गलती से एडिट हो गया है तो आप लोगों को यहाँ पे एक अंडू का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखेंगे और एक यहाँ पर रीडू का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से अंडू रीडू आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। बाकी की यहाँ पे मैं जो है कर लेता हूँ इसको रीडू और बाकी के आप लोगों को जो है यहाँ पे ऑडियो मिलता है। यहाँ पे अगर आप लोग ये ऑडियो डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो है डिलीट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको जो यहाँ से जो है अंडू कर लेता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे फिर से ऐड ऑडियो पे क्लिक करूँगा या यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं।
गाइस यहाँ पे अगर आप लोग जो है कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, कोई भी आप लोग जो है ट्रांजिशन वीडियो बनाते हैं और आप लोग जो बीच बीच में इफेक्ट देखते होंगे, कोई जो है फनी इफेक्ट होते हैं, कोई लाफिंग इफेक्ट होते हैं, तो कोई वीपिंग इफेक्ट होते हैं, वो सारे इफेक्ट आप लोग को मिलते हैं, तो वो आप लोग इफेक्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बेबी तो देख सकते हैं, बेबी लाकर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो बेबी वाले जो इफेक्ट हैं वो यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग जो भी इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ से इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। बाकी की अगर आप लोग अपने वॉइस ओवर करना चाहते हैं, अपनी वॉइस में कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड वाले आइकन पे आप लोग क्लिक करेंगे और अलाउ करके परमिशन दे देंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड का आप लोग ऑप्शन को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप लोग यहाँ से आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं जो है रिकॉर्ड नहीं करूँगा तो मैं फिलहाल इसको जो है डिलीट कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। तो मैंने आप लोगों को बता दिया इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपनी वॉइस ओवर कर सकते हैं। बाकी की यहाँ पे मैं राइट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मैं चलिए टूल्स के बारे में बता देता हूँ। तो फिलहाल मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग को जो है ये टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ये आप लोगों को मिलता है अगर आप लोग बीच में जो है ये जो ट्रिम का आप लोग को ऑप्शन मिल रहा है टूल्स, अगर आप लोग चाहते हैं वीडियो को बीच में कट करना, आप लोगों को चाहते हैं कि हमारा ये जो पार्ट है यहाँ से मैं प्ले करता हूँ एक बार, तो आप लोग चाहते हैं कि हमारा ये जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक ये पार्ट हमारा जो है बीच में नहीं होना चाहिए, तो इस पार्ट को आप लोग जो है बीच से कट करना चाहते हैं और इसको हटाना चाहते हैं, तो आप लोग को मिलता है ट्रिम। तो ये आप लोग को ट्रिम के बारे में बताऊंगा, स्पेल्ट आप लोग को यहाँ से करना होगा, तो ये पार्ट आप लोग का स्पेल्ट हो जाएगा और कहाँ तक आप लोग डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं पार्ट को, वो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, स्पेल्ट कर दीजिए और इसके बाद ये पार्ट हमारा जो है यहाँ से अलग से सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट वाला आइकन मिलता है, यहाँ से क्लिक करके इस पार्ट को डिलीट कर दीजिए। फिलहाल मैं इसको जो है अंडू कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर डिलीट नहीं करना है। ठीक है गाइस, तो गाइस ये आप लोग को टूल्स के बारे में पता चल चुका है कि आप लोग जो है ट्रिम करके आप लोग वी से इस पार्ट को जो वीडियो को कट करके आप लोग कोई भी पार्ट को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब ट्रिम का आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है तो आप लोग वीडियो को जो है ट्रिम कर सकते हैं, यानी कि इसकी लेयर आप लोग छोटी बड़ी कर सकते हैं, तो जैसे ही आप लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और कट और स्पिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप लोग कट कर सकते हैं, स्पिल्ट कर सकते हैं, जैसा करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को जो है मिल जाता है स्पीड, अगर आप लोग चाहते हैं अपनी वीडियो में स्लो मोशन और फास्ट मोशन डालना, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी तो आप लोग स्पीड डालना चाहते हैं तो या आप लोग स्लो मोशन डालना चाहते हैं, मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो अभी ये वीडियो हमारी नॉर्मल है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस वीडियो में स्लो मोशन डालना, तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा स्पीड का आइकन, यहाँ क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को ये जो मिल जाते हैं, आप लोग इसको इधर साइड में लेके जाएंगे तो इस वीडियो में हमारी स्लो मोशन आ जाएगा, देख सकते हैं ये वीडियो हमारी यहाँ पे स्लो मोशन हो चुकी है। और भी गाइस अगर मैं इस वीडियो को स्लो मोशन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको पॉइंट को और आगे लेके जाऊँगा लेफ्ट साइड में, तो ये वीडियो हमारी और भी ज़्यादा स्लो मोशन यहाँ पे हो जाएगी, देख सकते हैं ये वीडियो हमारी कितनी ज़्यादा यहाँ पे स्लो मोशन हो चुकी है। इसको मैं और आगे लेके जाऊँगा तो ये वीडियो हमारी और भी ज़्यादा यहाँ पे स्लो मोशन हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप लोग अपनी वीडियो को यहाँ पे जो है इस टूल से आप लोग अपनी वीडियो को स्लो मोशन बना सकते हैं। ठीक है, अब फास्ट मोशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ तक 1x तक तो आप लोग की वीडियो नॉर्मल रहती है और अगर आप लोग इसे जो है राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये वीडियो हमारी फास्ट मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी, देख सकते हैं ये वीडियो हमारी फास्ट मोशन बन चुकी है। और भी मुझे फास्ट करनी है तो मैं और भी लेके जाऊंगा आगे और वीडियो को यहाँ से मैं प्ले करूँगा तो ये देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी ज़्यादा यहाँ पर फास्ट हो चुकी है। और भी आप लोगों को मिलता है 8x, तो यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो और भी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग 100x तक आप लोग जो है फास्ट मोशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे जो कर लेता हूँ नॉर्मल और राइट यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया है, तो आप लोग स्पीड टूल्स से जाके आप लोग अपनी वीडियो में स्लो मोशन और फास्ट मोशन डाल सकते हैं। गाइज इसके बारे में और भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप लोग जो है बीच में आप लोग चाहते हैं बीच में हमारी वीडियो स्लो मोशन हो, बीच में फास्ट मोशन हो, तो आप लोग जो है ये स्पिल्ट का आप लोग को मिलता है तो आप लोग जो पार्ट स्लो मोशन करना चाहते हैं तो वहाँ तक आप लोग कट कर लेना। इस तरीके से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो है वीडियो जो है मतलब फास्ट मोशन रहे, तो मैं यहाँ पर इसको कट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी वीडियो स्लो मोशन हो, यहाँ तक कट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करके स्पीड में जाके मैं यहाँ पर इसमें जो है फास्ट मोशन डाल दूंगा और इसके बाद यहाँ पे इस वाले पार्ट में मैं सिलेक्ट करके इसमें मैं स्लो मोशन डाल दूंगा। ठीक है गाइस, तो ये मैं स्लो मोशन डाल देता हूँ। अब वीडियो को एक बार मैं प्ले करूँगा तो आप लोग देखेंगे ये फास्ट है और ये स्लो मोशन है। ठीक है,
तो ये आप लोग बीच में फास्ट मोशन और स्लो मोशन इस तरीके से डाल सकते हैं। फिलहाल मैं अंडू कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे मैंने जो एडिटिंग की है मुझे नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पे इसको अंडू कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, इसके बाद गाइस मैं फिर से लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। आप वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे वॉल्यूम को आप लोगों को बढ़ाना है तो यहाँ पे आप लोग वॉल्यूम को 8 से 200 तक आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि आपकी वीडियो में ऑडियो जो है स्लो है तो आप लोग यहाँ से 200 तक आप लोग इसका वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। ठीक है, फिलहाल मैं इसको म्यूट ही कर लेता हूँ। ठीक है, राइट करूँगा। अब यहाँ पे आप लोग को मिलेगा डिलीट का आइकन, तो डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल ये अगर आप लोग की जो है डबल लेयर होंगी तो आप लोग को ये डिलीट का आइकन हाईलाइट हो जाएगा, जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं जो है इसको लेके करूँगा इसमें स्पिल, और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये डिलीट का जो आइकन है वो हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, अब मैं इस पार्ट को डिलीट कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको कर लेता हूँ अंडू। इसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर मिलेगा क्रॉप, तो आप लोग अपनी वीडियो को जो है क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं इस वीडियो को क्रॉप करना तो आप लोग अपने हिसाब से इस वीडियो को जो है क्रॉप भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मुझे क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी का आप लोग को रेशियो मिल जाते हैं कि आप लोग किस रेशियो में क्रॉप करना चाहते हैं, तो आप लोग वो रेशियो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पे जो है फ्री सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब गाइस यहाँ पे आप लोग को मिलता है रिवर्स, और आप लोग चाहते हैं हमारी वीडियो रिवर्स हो जाए तो रिवर्स पे आप लोग क्लिक करेंगे और ये आप लोग की यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ से आप लोग की वीडियो जो है रिवर्स हो जाएगी। यानी कि रिवर्स का मतलब होता है आप लोग की वीडियो जो रहेगी वो उल्टी प्ले होगी। ठीक है, आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारी वीडियो होती है जो रिवर्स होती है, तो यहाँ से आप लोग बीच बीच में वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं। और एक बार वीडियो को मैं प्ले करूँगा तो आप लोग देखेंगे ये वीडियो हमारी रिवर्स हो चुकी है, उल्टी प्ले होगी ये वीडियो। और ये देख सकते हैं ये वीडियो अभी उल्टी प्ले हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये वीडियो मेरी रिवर्स हो चुकी है। ठीक है, फिलहाल मैं कर लेता हूँ इसको अंडू। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग को मिलता है कॉपी का आप लोग को ऑप्शन। आप लोग चाहते हैं इस वाली लेयर की भी बहुत सारी कॉपी बन जाए, तो आप लोग चाहते हैं या एक कॉपी बन जाए या दो कॉपी का बन जाए, तो आप लोग इसको जो है सेलेक्ट करते रहिए, आप लोग की कॉपी यहाँ पे बनती रहेगी। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो कॉपी बना ली है, तो यहाँ से आप लोग इस तरीके से इस ऑप्शन से कॉपी बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। अब गाइस यहाँ पर मैं इसको लेयर को फिर से सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर मिलेगा आप लोग को ये वाला एक आइकन रोटेट, तो यहाँ से आप लोग वीडियो को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 90, और जो आप लोग करना चाहते हैं 90 डिग्री वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और रोटेट इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और फ्लिप का भी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे मिरर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो आप लोग यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे ये आप लोगों को पता चल गया है। अब यहाँ पे ये आप लोगों को मिलता है ये वाला टूल्स प्लस के आइकन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग अपना कोई भी वीडियो और फोटोज़ आप लोग यहाँ पे पीछे ऐड कर सकते हैं। यहाँ ठीक है, अब गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को चलिए करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करूँगा और राइट करूँगा, और ये वीडियो इसके पीछे ऐड हो जाएगी। राइट कर दूँगा और ये देख सकते हैं ये वीडियो इसके पीछे ऐड हो चुकी है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे अगर आगे ऐड करना चाहते हैं तो आगे से आप लोग लेयर सेलेक्ट कर लेना, तो आगे से आप लोग की वीडियो ऐड हो जाएगी। अब ये बिजी का आप लोग को ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप लोग इस तरीके से बिजी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं नो फ्रेम कर लेता हूँ। कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप लोग इस तरीके से कलर भी ऐड कर सकते हैं, जो आप लोग करना चाहें तो उस तरीके से आप लोग यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा यहाँ पे, और इसको मैं राइट करके अंडू कर लेता हूँ। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को म्यूज़िक का ऑप्शन मिल जाता है, इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था। टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप लोग अपनी वीडियो में कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई लव यू। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई लव यू। अब इसका आप लोग चाहते हैं कलर चेंज करना, तो यहाँ पे आप लोग को कलर का आइकन मिल रहा है, तो यहाँ से आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं। जैसा कलर आप लोग देना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ से कलर दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कलर मिलते हैं। अब ये आप लोग को फॉन्ट का आइकन भी मिलता है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को ये जो फॉन्ट मिलते हैं, आप लोग जो फॉन्ट ऐड करना चाहते हैं वो फॉन्ट ऐड करके आप लोग राइट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप लोग कहीं पे भी इसको ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। और एडिट, ये पेंसिल का आइकन आ रहा है, यहाँ से आप लोग इसको जो है फिर से एडिट कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है ये वाला कॉपी, तो इसकी आप लोग यहाँ से कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, जितनी कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप लोग उस तरीके से कॉपी बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको जो है कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। ठीक है, आप लोग जो है इस तरीके से डिलीट वाले आइकन से क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। अब ये आप लोग को लेयर मिलती है, यहाँ पे आप लोग की जो लेयर आप लोग चाहते हैं पूरी की पूरी वीडियो हमारी जो है ये टैक्स बने रहे, तो यहाँ पे आप लोग इसको जो है इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, बाकी के ये वाली जो वीडियो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब गाइस ये देख सकते हैं आई लव यू वाले जो टैक्स है वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब गाइस ये स्टिकर का आइकन मिल रहा है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे स्टिकर मिल जाते हैं, जो आप लोग यूज़ करना चाहते हैं वो स्टिकर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आप लोग की कोई वीडियो यहाँ पर सैड होती है या फनी होती है तो वो आप लोग यहाँ से स्टिकर ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बहुत सारे स्टिकर आ रहे हैं यहाँ पर, मैं ये वाला स्टिकर है
लव वाला यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। और इस स्टिकर को आप लोग जैसा बड़ा छोटा करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ से ऐड करना चाहें वहाँ से ऐड कर सकते हैं। और आप लोग राइट पे क्लिक कर दीजिए और इस स्टिकर को आप लोग इस तरीके से इसकी लेंथ आप लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इस स्टिकर को कोने पे सेट कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आप लोग को जो है स्टिकर को जो है एनिमेशन अगर आप लोग को डालने हैं, यहाँ पे ये स्टिकर है आप लोगों ने जो स्टिकर सेलेक्ट किया है इसमें अगर आप लोग कोई एनिमेशन डालना चाहते हैं तो आप लोग को मिल रहा है ये ऐड एनिमेशन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आप लोग को स्टिकर में जो एनिमेशन डालने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग एनिमेशन डाल सकते हैं और मतलब आउट का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ से आप लोग आउट सेट कर सकते हैं, लूप मिलता है तो लूप आप लोग सेट कर सकते हैं, जैसा आप लोग करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग स्टिकर में आप लोग एनिमेशन डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे आप लोग को रहता है, यहाँ पे मिलता है आप लोगों को, मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग जो है टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में भी अगर आप लोग कुछ एनिमेशन डालना चाहते हैं तो टेक्स्ट में भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कट करता हूँ। अब ये आप लोग को ट्रिम के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था, अब इसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। इफेक्ट इफेक्ट पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं, तो ये ग्लिच वाला इफेक्ट है तो इसके लिए आप लोग इसको होल्ड करके रखेंगे और ये ग्लिच वाले इफेक्ट ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं, जो इफेक्ट आप लोग अपनी वीडियो में डालना चाहते हैं वो इफेक्ट आप लोग यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं ये आप लोग की वीडियो को प्रोफेशनल बनाएंगे और ये आप लोग इफेक्ट ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो में, जिससे आप लोग की वीडियो देखने में बहुत ही कमाल की लगेगी, ठीक है। अब ये देख सकते हैं वीट वाला इफेक्ट है, आप लोग वीट वाले जो इफेक्ट है इसको आप लोग लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये वीट वाले इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं बहुत सारे इफेक्ट हैं, जो इफेक्ट आप लोग ऐड करना चाहते हैं वो इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। और मोशन वाला इफेक्ट है, आप लोग मोशन वाले इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके के इफेक्ट हैं, जो इफेक्ट आप लोग को पसंद आते हैं वो इफेक्ट आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और बाकी का आप लोग को लगता है ये इफेक्ट गलती से ऐड हो गया तो डिलीट का आइकन मिलता है, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैजिक, ये आप लोग को बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं, यहाँ पे मैजिक वाला इफेक्ट है ये देख सकते हैं, तो इन्हें भी आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, और मिरर वाला, मैजिक वाला, जो भी आप लोग यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये इफेक्ट मैंने ऐड कर लिए हैं और बाकी का यहाँ पर आप लोग को मिल रहा है रिमूव, तो रिमूव पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इसका जो है पेड मेंबरशिप होती है, तो पेड मेंबरशिप इसकी अगर आप लोग ले लेते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो है फ्री वाले जो आप लोग के पेड होंगे वो भी आप लोग के इफेक्ट यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आप लोग को मिलता है फिल्टर, फिल्टर पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे फिल्टर मिल जाते हैं, इन फिल्टर को आप लोग अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पे एडजस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप लोग लाइटनेस और कॉन्टेस्ट वो आप लोग इसकी कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। कॉन्ट्रेस्ट में आप लोग इसकी कॉन्ट्रेस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं और ये बात में आप लोग इसकी जो है इस तरीके से कर सकते हैं। टेंट आप लोग कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, जिससे वीडियो आप लोग की बहुत ही कमाल की लगेगी। जो आप लोग को मिल रहे हैं वो आप लोग यहाँ पे टूल्स यूज़ कर सकते हैं, हाईलाइट है और शेडो है, जो आप लोग यहाँ पर यूज़ करना चाहें वो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कलर मिल जाता है, यहाँ से कलर आप लोग इस तरीके से ऐड कर सकते हैं और राइट आप लोग कर दीजिए और आप लोग को एच यू ई ये भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप लोग अपनी वीडियो का कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। विग्नेटी मिल जाता है, जहाँ से आप लोग विग्नेटी लाइटिंग और ब्लैक इन वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये आप लोग को बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, जो आप लोग यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, राइट कर दीजिए। अब ये आप लोग को रिकॉर्ड का ऑप्शन है, वो मैंने आप लोग को इसके बारे में बता ही दिया था, वॉइस ओवर कर सकते हैं। और ये आप लोग क्रॉप के बारे में भी बता दिया, वॉल्यूम के बारे में बता दिया, फ्लिप के बारे में भी बता दी, ठीक है। अब ये सारे के सारे टूल्स कवर हो चुके हैं, तो मैंने आप लोग को सारी जानकारी यहाँ पे दे दी है। और बाकी के आप लोग की यहाँ पे वीडियो एडिट हो जाती है, रेडी हो जाती है, तो अब आप लोग को यहाँ पे एरो का आइकन मिलता है, यहाँ क्लिक कर दीजिए और इसको आप लोग जितने जो है रेजुलेशन में आप लोग इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट करके आप लोग एक्सपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। 1080 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेव पे क्लिक कर दूंगा और ये देख सकते हैं हमारी वीडियो इंटरलाइजिंग होगी और ये वीडियो हमारी एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है गाइस। तो ये 100% हो जाएगी, तो ये वीडियो कम्प्लीटली हमारी गैलरी में जाके सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से वीडियो गुरु एप्लीकेशन से आप लोग अपनी प्रोफेशनल वीडियो एडिट कर सकते हैं। गाइस वीडियो गुरु एप्लीकेशन से वीडियो एडिट करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा। सो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।